दोस्तों, रानी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं पास्ता बनाऊंगी। पास्ता कैसे बनता है आप देखिए, उसमें क्या क्या सामान चाहिए। ऐसे पास्ता ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो मंथली वंस खा सकते हैं। आइए देखिए, 1 kg पास्ता, गरम मसाला, ये मसाला पाउडर है, इसमें 4 चीज मिक्स है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 5 लहसुन भी कली, थोड़ा सा अदरक और स्वाद अनुसार नमक, 2 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा कैबेज बारीक कटा हुआ, 4 बीन्स बारीक कटा हुआ, 2 बड़ा कैरेट बारीक कटा हुआ, 1 हरा मिर्चा बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता, सोया सॉस, टोमेटो केचप, रिफाइंड ऑयल। अभी मैं 1.5 लीटर पानी गैस पर रख दी हूँ, ये उबल रहा है। इसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल दूंगी। ये तेल इसलिए डालते हैं ताकि उबालते समय पास्ता चिपके नहीं। डाल के मैं अच्छी तरह चला दूंगी। अभी पानी उबलने लगा, इसमें मैं पास्ता को डालूंगी। पास्ता 2-3 मिनट ही उबालना है ताकि ये फूटे नहीं। देखिए इस तरह, इसको देख लेंगे, ये उबल गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला दूंगी और मिला करके अच्छा से चला दूंगी। और चलाने के बाद मैं इस तरह पास्ते को छान लूंगी। इस तरह से सारे पास्ते को निकाल लूंगी। अभी कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें 5 चम्मच मैं तेल डाल दी हूँ और कटा हुआ मिर्चा भी डाल दी हूँ, वो ब्राउन हो गया है। अभी मैं प्याज को डालूंगी। प्याज फ्राई होने के बाद थोड़ा सा मैं इसको ब्राउन करूंगी, ज्यादा नहीं। उसके बाद में एक एक करके सारा सब्जियां डालूंगी। अभी प्याज ब्राउन हो गया है, इसमें मैं पहले बीन्स को डालूंगी और बीन्स चलाने के बाद में मैं गाजर को भी साथ में डाल दूंगी और इसको 1-2 मिनट में फ्राई करूंगी। इसको ज्यादा नहीं पकना है, 1/2 पक में देखा ही रखना है। 2 मिनट हो गया, अभी मैं पत्ता गोभी को डाल दूंगी। ये जो लहसुन है उसको मैं काट ली हूँ बारीक, इसको भी डाल दूंगी और ये अदरक को भी मैं बारीक काट ली हूँ, इसको भी डाल दूंगी। और डाल करके मैं मीडियम आंच पे इसको 2 मिनट से फ्राई करूंगी। ये 2 मिनट हो गया, अभी मैं कटा हुआ टमाटर डाल दूंगी। टमाटर डालने के बाद में जो भी मसाला था उसको मैं डाल दूंगी और गरम मसाला थोड़ा सा डालूंगी। 1 छोटा चम्मच में गरम मसाला डालूंगी और इसको मैं चला दूंगी। और चलाने के तुरंत बाद में इसमें टमाटर सॉस डालूंगी। इसको मैं 4 चम्मच डालूंगी। और 1 चम्मच सोया सॉस डालूंगी। एक मिनट तक मैं इसको चलाऊंगी ताकि सारे मसाला सोया सॉस में मिक्स हो जाए। अभी मैं पास्ता को डाल दूंगी। डालने के बाद में मैं स्वादानुसार नमक भी डाल दूंगी और फिर अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। अभी इसको मैं मिक्स कर दी हूँ
और मिक्स करने में एक मिनट तक मैं चलाते रहूँगी। अभी ये मिक्स हो गया, एक मिनट हो गया। अभी मैं धनिया पत्ता डाल दूँगी और डाल करके चला दूँगी। पास्ता रेडी हो गया, पास्ता रेडी हो गया। इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर से भी धनिया डालूँगी। आपको चाहिए तो डालिएगा, नहीं चाहिए तो मत डालिएगा। इसी तरह आप भी पास्ता बनाइए, खाइए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। बाय।